दोस्तों, अभी समय हुआ है 12:30 और मैं इस सुनसान जंगल में हूँ। ध्यान से देखिएगा इस सुनसान जंगल को, और मैं अब बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कर रहा हूँ घास की ढुलाई घर के लिए। हाय, बुरे हालत हो गए, गर्दन में दर्द लग गई। अभी देखो मेरे कितने ढोने को, 1, 2, 3, 4 कुछ अभी मम्मी जी लगा रहे हैं, बांध रहे हैं घास को। हाय, बुरे हाल हो गए बाबा। और देखो रास्ता, और अभी देखो क्या सुनसान जंगल है, हरा भरा घास लहराता हुआ। और ये देखिए अभी हरे हरियाली की वजह से कितना प्यारा प्यारा व्यू लगता है सामने के लिए भी, इधर के लिए, उधर के लिए। और वो रह गए हमारे घर सामने, अभी वहां तक तो पहुंचाना। अभी मैं आधे रास्ते रख रहा हूँ घास, फिर 2 बजे तक मतलब मैं खत्म ही कर दूंगा सारा घास धो के आधे रास्ते तक। फिर आधे रास्ते से फिर उसके बाद मैंने और ढोना है घर के लिए, फिर काम हमारा फिनिश घास का। फिर उसके बाद रहेगा कुन्नू लगाने को, बताऊंगा मैं आपको कैसा लगता है कुन्नू, मतलब घास एक ही ढेरी में इकट्ठा करना ऊपर को। फिर होगा कि घास का काम खत्म हो गया है ना। चलता हूँ फटाफट यार, पानी पी लेते पहले, धो के धोना बाबा घास। आह, मम्मी जी ने बेचारे ने अकेले काटा हुआ पूरा घास, मम्मी भी तो है ना। मैंने तो फिर भी मेहनत की कमाई संजोई हुई उसको ले जाना घर के लिए। अभी घर पहुंचा यार, खाना खा लेते हैं। मैं क्या मम्मा के लिए ले जाता हूँ उधर के लिए जहाँ पे काम चला है हमारा। अभी मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ी है अभी ढूंढने को ना, मुका लेता हूँ काम फटाफट, फिर मिलता हूँ आपसे। और अब पहुंच गए हम दूसरी लोकेशन पर, ये देखिए। हाँ जी मम्मी जी, खाली रोटी खाली, बढ़िया है। ये लग रही है गड्डी, पर इतने बड़ा लंबा लंबा घास होता हमारा, इससे लंबा लंबा मम्मी नीचे ना, इससे लंबा नहीं। हाँ तो इसको बोलते हैं हम कथैलू, कथैलू पहुंच गए हम कथैलू। ये लगी मेरे लिए गाड़ियाँ है ना, और इससे नीचे भी लगी है। यहाँ अपना क्रिकेट का ग्राउंड होता है, पहले यहाँ क्रिकेट खेलते थे हम पहले स्कूल टाइम में, जब ये क्या बोलते हैं गाय वगैरह चराने के लिए आए होते थे तब यहाँ पे ग्राउंड होता हमारा, यहाँ खेलते थे। और एक होता हमारा बिल्कुल नीचे नीचे घासनी में, वो भी हमारे मलकीत थी यहाँ की, तो मतलब अरे परे गांव के बंदे आए होते सभी गाय वगैरह चराने के लिए, तो हम नीचे क्रिकेट खेलते थे। और साथ में कुकर, चावल, कोई तेल लाता था, कोई तड़के का सामान लाता था, खिचड़ी बनाते थे हम यहाँ पे, फिर वो खानी, फिर अपने क्रिकेट खेलते रहना मजे से पूरा दिन भर। और गैया वैया चरती रहती थी यहीं पर, तो ले जाते यार अभी बहुत अभी काम यहाँ पे भाई। अबे लास्ट गड्डी रह गई है, मतलब आधे रास्ते तक मैंने टोटल घास खत्म कर दिया आधे रास्ते तक। फिर उसके बाद आधा फासला कल करूँगा तय। अब तो है दर्द लग गई उन्हें सिर में, सिर के ऊपर आदत नहीं ना उठाने की, इस बार कुछ अजीब जैसे बांधे हो ना इनमें, नहीं तो मैं उठाता पीठ के ऊपर ही है ना। और देखा मेरी चूम, देखी मेरी चूम, ये है साडा ताज, ऊपर से टाटरी नंगी और ये ताज बैठता है इसमें बिल्कुल फिट, ना गिरने का डर ना किसी चीज़ का। चलिए वही पर साडी गड्डी लेके, उसके बाद अपा थोड़ी देर राइड दे जाऊंगे राइड ते। मैं पहुंचा हूं अभी राइड पर, बोलने को ये राइड अब की पीछे देखो बुजका लटकाया हुआ, एक और बुजका बांधा हुआ, डिप्पू का सामान ले रहा है असल में तुम्हें, है ना। बोल सकते एक छोटी सी राइड, इतनी सी राइड। और सूर्य देवता जी देखिए अपने प्रचंड रूप में है, और वो सामने मेरा घर है अभी, पार्क जहाँ है बिल्कुल पार्क, सूर्य देवता की वजह से दिखना है अभी, है ना। पहुंचे अभी मामटी साहब की दुकान में सामान लेने के लिए, और मामटी साहब छुपते हुए, ये बलि के बकरे बन चुके हैं फिलहाल तो। देखो आंखें भी फोड़ दी है मामटी, मामी जी ने देखो चश्मे लगा दिए इनको, है ना बेचारे। शरीफ क्या हाल बनाई था भाई यार बंदे ना, मतलब ऐसे हंसते खेलते हृष्ट पुष्ट बंदे होते थे। और अब देखो वो है मेरी फेंक ही गुठिए की करो स्माइल भी बस। बस अब मजा लेता हूँ वहां से ना, आवाज निकली देख बाहर आई आवाज, और बंदों को ऐसे बस ये बस आवाज भी निकल रही बाहर है ना। ठीक है। अब मैं मंदिर में आ गया पूजा करने के लिए, देखा आपने कितना काम होता है मेरे को, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, मैं नन्ही सी जान कितना काम करूंगा। जय माता दी, हैप्पी दिवाली सबको, इसी के साथ सभी को
मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।